assalamualaikum welcome kids to our next exciting lesson of english grade 3 unit 4 clouds in the previous lesson we have discussed about the student learning outcomes we have learned about the new vocabulary words solved the comprehension questions and know about the alphabetical order inshallah in today's lesson we'll do some more interesting And exciting stuff with phonics, grammar, listening and speaking skills and writing. So let's start our today's lesson with phonics on page number 25. तो so, आज हम phonics में बात करेंगे minimal pairs पे. Minimal pairs कोई सी भी दो ऐसे words होते हैं जिनमें सिर्फ एक sound का difference होता है. जैसे के hill और fill में. है और फ साउंड का डिफरेंस है तो चलें इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं रीड एंड से द गिवन मिनिमल पेयर्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ़िल, ब्लो, स्लो वॉक टॉक, वेरी वेरी सैड मैड ऑल कॉल तो स्टूडेंट्स ये थे मिनिमल पेयर्स आपने खुद से मजीद मिनिमल पेयर्स अपने नोटबुक पर राइट डाउन करने हैं और उन्हें प्रनाउंस करना है वेरी गुड सो नाउ लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट टास्क ग्रामर ऑन पेज नंबर ट्वेंटी फाइव टूडे वी लर्न अबाउट द इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन विल कम टू नो अबाउट द बी डू एंड हैव द मेन वर्ब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से और आज के हमारे आर्टिकल्स हैं ए और एन जी इन इनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी बोलते हैं और ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं सिंगुलर नाउन्स यानी एक नाम के साथ यूज़ होते हैं इनको याद करने का एक बहुत अच्छा रूल ये है कि ए हमेशा उस नाउन के साथ यूज़ होगा जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा और एन हमेशा उस नाउन के साथ यूज़ होगा जो वॉल साउंड के साथ स्टार्ट होगा इसको थोड़ा सा हम अभी प्रैक्टिस भी करते हैं एज अ शीप एन एप्पल अ क्लाउड एन एग अ डॉक्टर एन इंजीनियर अ टेबल एन एनिमल अ टीचर एन इग्लू ग्लू अ नोटबुक एन आईलैंड जी बिल्कुल तो अब आपने पार्ट टू को बिल्कुल इसी तरह से प्रैक्टिस करना है द ब्लैंक्स दिए हुए दिए हुए हैं आपने उन्हें ए या एन के साथ फिल करना है और रूल को याद रखना है जो अभी हमने डिस्कस किया तो अब हम बात करते हैं बी डू एंड हैव पर तो सबसे पहले देखते हैं कि बी डू एंड हैव को यूज कैसे किया जा सकता है बी डू एंड हैव कैन बी यूज अ सेंटेंस एज मेन वर्ब्स जी बी डू और हैव किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ किए जा सकते हैं जैसा कि एग्जाम्पल्स में दिया गया है नाजिश इज माई बेस्ट फ्रेंड शी वॉज इन द रूम आई एम सैड तो इसको हम बी कहते हैं बी मीन प्रेजेंट वर्ब डू आई डू माई होमवर्क शी डिड वेल इन एग्जाम्स शी ही डज नॉट प्ले फुटबॉल एंड हैव आई हैव टू पेंसिल्स दे हैड कलर्ड पेंसिल्स शी हैज़ बॉटा न्यू हाउस अब हम इसको पेज नंबर ट्वेंटी सेवन पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं अपने बी डू और हैव के साथ कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स पर एडजेक्टिव्स को आपने पहले पहले भी स्टडी किया हुआ है प्रीवियस लेसन में तो ऐसे वर्ड्स जो किसी पर्सन प्लेस और थिंग को डिस्क्राइब करें मीन उनको एक्सपेंड करें उनकी क्वालिटी के बारे में बताएं क्वांटिटी के बारे में बताएं या साइज़ के बारे में बताएं तो ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं जैसे क्वाल क्वालिटी में इंटेलिजेंट ब्रेव क्वांटिटी में फ्यू एट साइज में लार्ज शॉर्ट कलर में पर्पल येलो तो ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स हैं जो क्वालिटी क्वांटिटी, साइज या कलर को डिफाइन करते हैं या किसी भी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी क्वांटिटी, साइज या कलर को डिस्क्राइब करते हैं अब आपने एक्सरसाइज करनी है एट पेज नंबर ट्वेंटी सेवन सर्कल द एजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस टिक द करेक्ट टाइप आपने करेक्ट टाइप को क्लिक टिक करना है इसका एक हम सॉल्व करके देखते हैं दुआ इज वेयरिंग अ पिंक फ्रॉक सो पिंक इज द कलर ऑफ द फ्रॉक जी हां पिंक इज द कलर ऑफ द फ्रॉक यू हैव टू टिक द कलर बॉक्स अ शीप हैज फोर लेग्स तो द क्वांटिटी ऑफ द लेग्स आर फोर यू हैव टू टिक क्वांटिटी मे आई आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस अगेन few is the description of questions you have to take the quantity box this is a small rabbit in the garden small is the quality of rabbit it's about the size very good you have to take the size box the man rich the rich man brought food for the poor the rich man rich is the quality of a man so you have to take the quality box very good Now you have to write sentences of your own using each type of adjectives above in your notebooks. आपने ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किए एजेक्टिव उनसे रिलेटेड एक एक सेंटेंस अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करना है अब हम बात करते हैं ज्वाइनिंग लेटर्स पर तो ज्वाइनिंग लेटर्स ऐसे लेटर्स होते हैं जो वर्ड्स फ्रेजिज या सेंटेंसिस को ज्वाइन करते हैं जैसे कि एंड और एंड बट तो आपने इसको एक्सरसाइज करना है ऑन पेज नंबर ट्वेंटी एट सो लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट टास्क लिसनिंग एंड स्पीकिंग रीड द एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स जी बिल्कुल आपने इन डायलॉग्स को अपने पार्टनर यानी अपने अम्मी अबू बहन या भाई के साथ प्रैक्टिस करना है एक दफा हम प्रैक्टिस करते हैं मदर टाइडी योर रूम सम गेट्स आर कमिंग टॉटर श्योर मामा ब्रदर ड्रॉम ब्यूटिफुल सीनरी ऑफ क्लाउड्स एंड माउंटेन्स योर ड्राइंग इज रही नाइस सिस्टर श्योर माई ब्रदर आई विल थैंक यू नाउ अर लास्ट टास्क इज द राइटिंग ऑन पेज नंबर ट्वेंटी एट लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन योर नोटबुक आपने इन पिक्चर्स को देखना है सिक्वेंस के साथ मीन फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है सेकेंड पिक्चर में क्या हो रहा है और लास्ट पिक्चर में क्या हो रहा है और इनको आपने एक स्टोरी की शक्ल देनी है और उसे तरतीब देना है राइट ए यूजिंग द गिवन राइमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक और लास्ट में आपने ट्राई करना है इन वर्ड्स को जो आपके सामने दिए हुए हैं डे प्ले आर द राइमिंग वर्ड्स इन राइमिंग वर्ड्स को यूज करते हुए आपने स्टोरी लिखनी है सो so, इस तरह से हमारा यूनिट फोर कंप्लीट होता है इनशाला हम नेक्स्ट लेसन के लिए फिर मिलेंगे तब तो तक के लिए अल्लाह हाफिज